हेलो फ्रेंड्स, मैं अमराज गोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकटेक इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलर गेज के बारे में। जैसे कि फिलर गेज का मतलब ही है फिलर यानी फिल करना। किसी भी गैप को हमें इस स्ट्रिप से हम फिल करके उसका डायमेंशन हम इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिलर गेज के टाइप्स की। तो ये है 13 ब्लेड का, यहाँ पर लिखा है 13 ब्लेड। तो इसकी रेंज है 0.05 से लेके 1 AM तक। उसके अंदर ब्लेड से इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल 13 ब्लेड से। और आई एस स्टैंडर्ड के अनुसार उसमें टोटल 6 टाइप के फिलर गेज आते हैं। उसमें होता है कि पहला है 8 ब्लेड का, उसकी रेंज होती है 0.03 से लेके 0.1 mm तक। और दूसरा आता है 9 ब्लेड का, जिसकी रेंज होती है 0.03 से लेके 0.09। और 16 ब्लेड का भी आता है, जिसका रेंज होता है 0.03 से लेके 0.5 mm तक। और 11 ब्लेड का भी आता है और इसका रेंज होता है 0.03 से लेके 0.5। और ये अपने बाद जो है ये है 13 ब्लेड का, इसका रेंज है 0.05 से लेके 1 mm तक। और दूसरा एक आता है लास्ट वाला 11 ब्लेड का, जिसका रेंज होता है 0.05 से लेके 1 mm तक। तो अपने पास यहाँ पे है 13 ब्लेड का 0.05 से लेके 1 mm तक। तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज एक्चुअली किया कैसे जाता है। तो अपने पास यहाँ पे जॉब है, ये जॉब है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस जो वॉशर है इसके अंदर सील है, सील में क्या और ग्रू का गैप हमें चेक करना है। तो सील का गैप चेक करने के लिए मैं इस गैप के अंदर मैं अलग अलग टाइप के फिलर ब्लेड जो है वो इंसर्ट करूंगा और देख करूंगा कि कौन सा फिट होता है उसमें। तो पहले मैं 1 mm का, 1 mm यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेड पे, तो 1 mm का मैं उसमें अंदर डालूंगा। 1 gap नजर आ रहा है, तो उसके बाद मैं 0.9 का डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, यानी 0.9 से भी कम का इसका गैप है, तो मैं 0.8 का इसमें अंदर डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.8 का फिलर गेज उसमें फिट हो गया है। इसका मतलब सिल्क और ग्रू के अंदर का जो गैप है वो है 0.8 का। इसी टाइप के हर एक जॉब के हम लोग गैप इससे वेरीफाई कर सकते हैं।